हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइनिंग मिरर एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो सीरीज इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू विनिंग एंड वर्किंग रेस्टिटेड टू मेटल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर फोर्टी क्वेश्चंस ये वीडियो में जितना भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे ये सारा क्वेश्चनस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत काम आने वाला है क्योंकि देखिए डी की तरफ से जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में जितना भी माइंस का रूल्स रेगुलेशन है वो वो चीज़ तो इसमें आता ही है इसके बाद जो प्रैक्टिकल इशूज़ है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो फील्ड में हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं या टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं ये सारा क्वेश्चन भी विनिंग एंड वर्किंग के अंदर आ जाता है इसीलिए विनिंग एंड वर्किंग बहुत वास्ट एरिया हो जाता है फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी हो सकता है आ, चार पार्ट पाँच पार्ट जितना भी पार्ट इसका बन सकता है धीरे धीरे करके इसको बनाएंगे और इसको आपके साथ डिस्कशन करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर यथ फ्रेंड्स एंड आई एम वेरी होपफुल दैट दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियोज़ विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड इवन फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर वन द कॉज फॉर ब्लोन आट शॉट इज द शॉट मतलब जो होल में एक्सप्लोसिव डालते हैं चार्ज करते हैं उसके बाद उसको ब्लास्ट करते हैं तो जितना भी एनर्जी क्रिएट होता है सारा एनर्जी ब्लोन आउट हो जाता है ऊपर की तरफ से वो किस लिए होता है ऑप्शन सर पोर स्टेमिंग एक्सेस चार्ज इम डिले लो करेंट ऑल ऑफ दिस देखिए पोर स्टेमिंग स्टिमिंग अगर आप अच्छी तरह से नहीं किए हैं तो उसमें मैक्सिमम चांसेस रहता है कि सारा एनर्जी ऊपर से ही निकल आए क्योंकि गैस और एनर्जी का उसका फंडामेंटल वही रहता है कि जहाँ पे वीक पॉइंट रहता है उसी एरिया से वो निकलने का कोशिश करता है तो आंसर विल बी पोर स्टेमिंग जैसे इसमें जितना भी दिया गया है ना लो करंट इमप्रॉपर डिले एक्सेस चार्ज एक्सेस चार्ज कभी कभार आपको वो ऑप्शन स्ट्राइक करेगा कि ये आंसर सही आंसर हो सकता है लेकिन अगर स्टेमिंग आपको गड़बड़ है तो चार्ज कम करें या ज़्यादा करें वो उधर से निकल ही जाएगा वो ब्लोनाउट हो जाता है सो आंसर विल बी ए क्वेश्चन नंबर टू व्हाट्सल बी क्लियरेंस ऑफ ड्रिल होल एंड एक्सप्लोसिव डायमीटर ये Uh, बहुत जनरल क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम एग्जामिनेशन uh, में ही आता है और नॉर्मली कोई ना कोई हम लोग जैसे फील्ड में बात करते हैं तो कोई ना कोई पूछ भी लेता है कोई ट्रेनिंग में आता है आपका फील्ड में तो वो भी पूछ सकता है तो आंसर विल बी जीरो पॉइंट थ्री सेंटीमीटर या आंसर विल बी सी क्वेश्चन नंबर थ्री वाइल ब्लास्टिंग इन फायर एरियाज ब्लास्ट होल्स शुड नॉट बी चार्ज इफ द टेम्परेचर इनसाइड इट एक्सीड्स तो आंसर विल बी एटी डिग्री सेल्सियस आंसर विल बी ए क्वेश्चन नंबर फोर एंगल विच फॉल्ट मेक्स विद वर्टिकल प्लेन इज कल्ड वट द फॉल्ट रहता है अपना डिपोजिट का वो वर्टिकल प्लेन से जो एंगल क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन सर हेड स्ट्राइक डीप इंक्लिनेशन नॉन ऑफ दिस आंसर उल बी हेड ओके क्वेश्चन नंबर फाइव इफ द पब्लिक वर्क्स फॉल विद इन डेंजर जोन परमिशन शल बी टेकन अंडर रेगुलेशन वो रेगुलेशन के बारे में पूछ रहा है कि वर्क फॉल विद डेंजर जोन अगर आपका पब्लिक वर्क है वो डेंजर जोन के अंदर पड़ रहा है तो उसका कौन सा रेगुलेशन में वो मैंशन किया गया है आंसर बी रेगुलेशन वन हंड्रेड सिक्सटी फोर वन बी आंसर बी ए क्वेश्चन नंबर सिक्स रेगुलेशन वन जीरो सिक्स फिर से रेगुलेशन के रेगुलेशन नंबर वन जीरो सिक्स ऑफ द एम एम आर नाइनटीन सिक्सटी वन डील्स विथ वन जीरो सिक्स ओपन कास्ट वर्किंग अंडरग्राउंड वर्किंग पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर वर्किंग अंडर रेलवेज एंड रोड्स प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर ए माइन इज क्लोज आंसर वुल भी ओपन कास्ट वर्किंग आंसर वल बी ए क्वेश्चन नंबर सेवन व्हिच इज नॉट द कॉज ऑफ स्लोप फेलुअर जो स्लोप्लोप जो फेलुअर होता है उसके लिए कौन सा इसमें से जितना भी ऑप्शन दिया है जो उसका कारण नहीं है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर टेक्स्चर एनमल लाइक डाइक फॉल्ट एट्सेट्रा डायनेमिक लोडिंग फीसर्स एंड ज्वाइंट प्लेन्स फिलिंग मेटेरियल कौन सा उसका कारण नहीं है जियोलॉजिकल का स्ट्रक्चर कारण रहता है एनमोलिज लाइक डाइक एंड फॉल्स भी रहता है उसका कारण डायनेमिक लोडिंग यस फिशर्स एंड जॉइंट प्लेन्स यस तो आंसर उल बी ई फिलिंग मेटेरियल के ऊपर इतना वो डिपेंड नहीं करता है तो आंसर उल बी ई क्वेश्चन नंबर एट इन हुई मिनरल डायमंड इज एसोसिएटेड तो डायमंड जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है या जिस मिनरल के साथ वो जुड़ा होकर निकलता है या मिलता है अपना अर्थ में वो कौन सा है उसका ऑप्शन सर किम्बोलिटिक कोल ग्रेनाइट बॉक्साइड चार्कोपैड आंसर उल बी किम्बोलिटिक उसको बोलते हैं किम्बोल लाइट आंसर बी ए क्वेश्चन नंबर नाइन पार्किंग ब्रेक इज यूज फॉर ऑप्शन सर कीपिंग द डंपर्स इन नॉन मूविंग कंडीशंस फॉर रनिंग ऑफ द डंपर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ द डंपर बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ दिस आंसर उल बी कीपिंग द डंपर इन नॉन मूविंग कंडीशंस तो आंसर उल बी ए क्वेश्चन नंबर टेन द पॉइंट्स इन एनफोन्यूमेटिक लोडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डो नॉट गेट स्टोर्ड ऑपरेटर ब्लास्टिंग एजेंट्स लोडर ब्लास्ट होल्स लेग वेयर सराउंड आंसर बी ई क्वेश्चन नंबर इलेवन फिलिंग ऑफ द वर्ड इन ओपन कास्ट माइंड इज नोन एज वट द ओपन कास्ट माइंड में जो वर्ड रहता है जो माइंड आउट एरिया रहता है उसमें अगर हम लोग फिलिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वो भी रिमूवल इच ऑफ द फॉलोइंगज एडेड एज सेंसिटाइजर इन एक्सप्लोसिव ऑक्सीडाइजर सेंसिटाइजर फ्यूल, सोडियम क्लोराइड एमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिस चार्कोल सल्फर आंसवल बी सी नाइट्रोग्लिस क्वेश्चन नंबर थर्टीन आज पर एक्सप्लोसिव रूल टू थाउजेंड एट वाट इज द मैक्सिमम परमिशिबल वैल्यू ऑफ अर्थ पीट रेजिस्टेंस वैल्यू नियर एक्सप्लोसिव मैगजीन जो मैगजीन रहता है उसके पास में जो हम लोग अर्थ पीट बनाते हैं उसका रजिस्टेंस कितना रहता है टेन ओम ट्वेंटी ओम फाइव ओम फिफ्टीन ओम नॉन ऑफ दिस अनशुल बी टेन ओम अनशुल बी ए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हाउ मेनी डेटोनेटर्स मेम बी ट्रांसपोर्टेड इन ए व्हीकल एट ए टाइम इन केस ऑफ बल्क हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव ऑब्वियसली नॉट मोर देन टू हंड्रेड नंबर बी ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द नॉन मेटेलिक मिनरल्स एसोसिएटेड विथ ओर मिनरल्स आर कॉल्ड वट पूछ रहा है कि जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स रहता है जो ओर मिनरल्स के साथ एसोसिएटेड रहता है उसको क्या बोलते हैं देखिए यहाँ पे जो मिनरल का फंडामेंटल्स है इसमें है कि हम लोग एक पहला चीज़ है कि ओर क्या है मिनरल क्या है ये एक डिफरेंस है आपको पहले पता होना चाहिए कि ओर हम लोग किसको बोलेंगे मिनरल किसको बोलेंगे इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर रखा हूँ आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर में तो ओर और, और मिनरल के बीच में जो डिफरेंस है उसके बाद आता है कि जो नॉन मेटालिक मिनरल से एसोसिएट रहता है और मिनरल के साथ उसको क्या बोलते हैं उसके ऑप्शन यहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल्स मेटालिक मिनरल्स गैंग मिनरल्स फ्लॉक्स मिनरल्स नॉन ऑफ दिस आंसुल बी गैंग मिनरल्स आंसुल बी सी उसको गैंग बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द स्ट्रिक ऑफ पायराइट इज वाट तो ये स्ट्रिक क्या है स्ट्रिक एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है मिनरल का जैसे हम लोग पहले भी बात किए थे मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस तो हार्डनेस कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कंपेरिटिवली जैसे बात करते हैं वैसे ही स्ट्रिक क्या है कि एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी हेल्प करते हैं हम लोग को आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिनरल में तो स्ट्रिक क्या है कि अगर कोई भी मिनरल को आप हार्ड सरफेस में लेके उसको घिसते हैं तो वहाँ पर एक उसका कलर निकलता है तो वही कलर को बोलते हैं स्ट्रिक तो वो एक प्रॉपर्टी है जिसको चलते हम लोग कोई भी मिनरल को पहचानने में थोड़ा सा ईजी होता है तो उसमें बोल रहा है कि पायराइट का क्या है तो पायलट यहाँ पे जो पिक्चर है उसको लेकर अगर उसके उससे जो हार्ड कोई भी मिनरल या कोई भी सरफेस रहता है वहाँ पे जाके उसको घिसते हैं तो वहाँ पे जो कलर निकलता है उसका कौन सा कलर है ऑप्शन सर येलो चेरी रेड ब्लैक रेडिस नॉन ऑफ दिस अनशुल बी ब्लैक अंस वुल बी सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन फास्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ रॉक्स ड्यू टू जॉइंट इज वट तो बोल रहा है कि रॉक्स में जो जॉइंट्स रहता है उसके कारण जो नेगेटिव क्वालिटीज होता है उसका ट्रीटमेंट के लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा ग्राउटिंग फिलिंग विद केमिकल्स डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इंस्टॉलिंग डिवाइसेस नॉन ऑफ दिस आंसर उल बी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन उसका कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आपको पहले सही तरह से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा तो आंसर उल बी सी क्वेश्चन नंबर एटीन साइन ऑफ पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी इन स्लोप्स आर स्लोप बल्जिंग सरफेस फ्रेटिंग फॉर्मेशन ऑफ टेंशन क्रैक्स ऑल द अब ओनली वन एंड थ्री अनशुल ऑल द अबव अनश बी डी इस सारा चीज उसका साइन रहता है पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द बिहेवियर ऑफ मिनरल टूवर्ड्स द फोर्सेज दैट टेन टू डिस्ट्रॉय इट इज कॉल्ड वट हार्डनेस रजिस्टेंस टेनासिटी क्रिस्टल डिग्री नॉन ऑद अन बी टेनासिटी अनशी सी एक डेफिनेशन हो गया टेना का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हिच मिनरल इज यूज इन पेंट्स एंड रबर इंडस्ट्रीज तो पेंट्स एंड रबर इंडस्ट्रीज में कौन सा मिनरल यूज होता है आजबेस्टस बायराइट करुंडम क्वाड्स नॉन ऑफिज आंसर बी बाईराइट आंसर बी बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द डिफरेंस बिटवीन क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग का जो मेथड्स है उसके में डिफरेंस क्या है First, crushing produces relatively coarse material while grinding produces fine metals. Yes, in the crushing procedure, crusher jaws and rolls do not touch each other, while in the grinding procedure, the machine parts come into contact with each other. Obviously, crushing operation is commonly intermittent while grinding is generally continuous operation. Obviously, answer will be all of the above. Question number 23 Where is the Singbum copper belt is located? तो ये लोकेशन पूछ रहा है लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि सिंहभूम बोल रहा है वो सिंहभूम का पर बेल्ट तो सिंहभूम झारखंड में ही रहता है तो आंसर वल बी झारखंड आंसर उल बी डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द डेप्थ टू हुई जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन आर बिल्ड डिपेंड्स ऑन तो ऑप्शन है जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जोन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन द अवेलेबल डाटा ऑन द सब सरफेस तो आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एक्सप्लोसिस में बी स्टोर्ड इन ए मैगजीन ड्यूली लाइसेंस्ड येस इन बिलो ग्राउंड विथ अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर इन बिलो ग्राउंड ओनली इन ए मैगजीन ड्यूली लाइसेंस एंड विद अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग uh, uh, दो टो तो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया बी एंड सी देखिए लिखा है कि बी में लिखा है इन बिलो ग्राउंड विथ अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर लेकिन ये नहीं लिखा कि कहाँ पर रखना है आप अगर बिलो ग्राउंड नंबर रखते हैं तो भी वहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया जो मैगजीन जिसको बोलेंगे वहाँ पे रखना है तो आंसर उल बी ए एंड सी तो ऑप्शन दिया गया है मैंसन इन वन टू थ्री एट प्लेसेस आज मैंशन इन वन एंड थ्री आंसर विल बी वन एंड थ्री आंसर वल बी ई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर एक फोटो दिया है तो इसमें ये क्या है ड्रैग बीट क्रॉस बीट डायमंड बीट बटन बीट करसट बिट आंसर उल बी क्रॉस बीट आंसर उल बी बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द टाइप ऑफ जॉइंट यूजुअली फाउंड इज व्हाट कौन सा जॉइंट नॉर्मली हम लोग को ऐसे मिल जाता है ओपन जॉइंट्स क्लोज जॉइंट्स ओपन एंड क्लोज जॉइंट्स फॉल्टेड जॉइंट्स मास्टर जॉइंट्स बी ओपन एंड क्लोज जॉइंट्स बी सी तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया मुझे लगता है मैक्सिमम जियोलॉजिकल जो फॉल्ट है फोल्ड्स है जॉइंट्स है ये सारे के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस में आ रहे तो इफ टाइम परमिट्स तो मैं उसके ऊपर एक छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हुइच फैक्ट ऑफ डजनोट अफेक्ट स्लो फेलुअर जो स्लो फेलुअर होता है कौन सा फैक्टर उसमें अफेक्ट नहीं करता है जियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक अफेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन रॉक अफेक्ट करता है थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द रॉक वो अफेक्ट नहीं करता है तो आंसर विल बी सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द मेन प्रोसेस हुई डजनोट कम अंडर केमिकल वेदरिंग जो केमिकल वेदरिंग में कौन सा कौन सा प्रोसेस जो नहीं आता है सॉल्यूशन आता है हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस आता है इंसोलेशन इंसोलेशन क्या होता है कि जो सनलाइट होता है उसके कारण जो वेदरिंग्स uh, होता है उसको बोलते हैं इंसोलेशन तो इंसोलेशन कार्बोनेशन नॉन ऑफ दिस कार्बोनेशन तो केमिकल प्रोसेस है इंसोलेशन तो आंसर विल बी सी इंसोलेशन केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में नहीं आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी हुई कंपोजिशन ऑफ गन पाउडर गन पाउडर का स्टैंडर्ड कंपोजिशन क्या होता है इसमें ऑप्शन आपको नहीं देखना है इसमें सिंपल इसको याद रखना है सेवेंटी टू परसेंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट सिक्सटीन परसेंट ऑफ चारकोल ट्वेल्व परसेंट ऑफ सल्फर तो आंसर विल बी ए ये वाला हम लोग को याद रखना है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द बेस्ट ग्रेड क्रोमाइट इन इंडिया अकर्स इन हुई स्टेट इंडिया में जो बेस्ट ग्रेड ऑफ क्रोमाइट कहाँ मिलता है कर्नाटका राजस्थान ओडिशा केरला दिस आंसर विल बी उड़ीसा सी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू

क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर आइडेंटिफाई द फैक्ट्स हुई इज और आर रिलेटेड टू पोर हॉल रोड ऑन सरफेस प्रोडक्टिविटी फ्यूल कंजप्शन लाइफ ऑफ टायर ऑल ऑफ द अबव ओनली टू एंड थ्री आंसर विल बी ऑल द अबव आंसर विल बी डी क्योंकि ये सारा चीज उसके साथ रिलेटेड रहता है अगर आपका हॉल रोड सही नहीं है तो उसमें आपका फ्यूल कंजप्शन तो बढ़ेगा ही लाइफ ऑफ टायर भी जाए कम हो जाएगा प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाएगा तो आंसर विल बी ऑल द अबव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द स्ट्रिक ऑफ कालसाइड इज फिर से और एक क्वेश्चन आया स्ट्रिक के ऊपर द स्ट्रिक ऑफ कालसाइड इज व्हाट कालसाइड का स्ट्रिक क्या होता है व्हाइट येलो कलरलेस व्हाइट एंड येलो नॉन ऑफ दिस आंसर वल बी सी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स यहाँ पे एक पिक्चर दिया है तो ये क्या है ऑप्शन सर स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर स्पायरल क्लासीफायर हाइड्रोसाइक्लोन मैग्नेटिक सेपरेटर नॉन ऑफ दिस ये जो पिक्चर दिया है देखिए कि स्पाइरल टाइप का ही दिख रहा है आपको तो यहाँ पे स्पायरल तो आपको पता लग रहा है तो यहां पे और एक चीज़ है कि स्पायरल ग्रेविटी सेपरेटर या स्पायरल क्लासीफायर आंसरल क्लासीफायर बी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द टॉप लेयर्स ऑफ द रॉक्स हुई डिस इंटीग्रेटेड ड्यू टू रिपीटेड वेरिएशन इन टेम्परेचर इज टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस सियर स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस नॉन ऑफ दिस आंसर स्ट्रेस आंसर बी ए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट Geological plants and sections show the options are minable reserve of the mines, distribution of the rock formation and structure, that is faults and folds at the earth surface, physical properties of the rocks, physical and mechanical properties of the rocks, profile of the earth surface, and so will be distribution of rock formation and structures. Faults and folds at the earth surface, and so will be B. Question number 39. Most abundant metallic element in the earth crust is what? Iron, aluminum, कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम इसमें से सबसे अवंडन सबसे ज़्यादा जो मेटालिक एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में वो क्या है हम लोग को लगेगा कि आयरन होगा नहीं आंसर विल बी एल्यूमिनियम तो यहाँ पे जो पाई चार्ट दिखाया हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कितना परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में कौन सा कौन सा मेटालिक uh, एलिमेंट है या नॉर्मल जो एलिमेंट है वहाँ पर तो है, है तो यहाँ पे क्या एल्यूमिनियम एट है और आयरन ओनली फाइव है तो ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज हो गया तो आंसर विल भी एल्यूमिनियम Question number 40. The last question of this video PPB Pick particle velocity of more than dash at the foundation level of structure with dominant frequency content less than dash may cause damage to the sensitive structures. The answer will be PPB of more than 2 at the foundation level of structures with dominant frequency content less than 8 may cause damage to sensitive structures. The answer will be C. सो so फ्रेंड्स अभी हम लोग कंप्लीट किए टोटल फोर्टी क्वेश्चन आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसको इस वीडियो में जितना भी हम लोग क्वेश्चन कवर किए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको नया लगेगा तो अगर आपको जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ इसके ऊपर और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिएगा तो उसके ऊपर मैं एक छोटा छोटा वीडियो या शॉर्ट्स भी बनाने का कोशिश करूँगा जो कि आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन ला सके सो so फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही सी इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर क्वेश्चन थैंक यू